अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज देखिए फ्रेंड, मैं अंडा बॉयल्ड कर रही हूँ मेरे तरीक़े से, आप लोग भी बॉयल्ड करिएगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे से बॉयल्ड होगा। मैंने इसके अंदर एक टेबल स्पून करीब नमक डाला है। नमक डालने का एक रीज़न है कि हमारा छिलका जो है बहुत आसानी से उतर जाता है, हमें परेशानी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में बन के हमारा अंडा रेडी हो जाता है। एक साइड मैंने ये चाय रख दिया था, ये चाय भी हमारी बन के रेडी है। अभी थोड़ा सा पकना बाकी है, बस बॉयल्ड आया है, पक्की नहीं है, क्योंकि जब चाय अच्छे से पक जाती है तो उसका टेस्ट अच्छा होता है, वरना अजीब सी लगती है, पानी पानी सी। ये आप लोग को सुबह उठते ही सबको चाय पसंद है, उठते ही सबको चाय चाहिए होती है। एक साइड मैंने बच्चों की बॉटल भी बॉयल्ड होने के लिए रख दिया है। ये देखिए फ्रेंड, बच्चों की बॉटल भी बॉयल्ड हो रही है, एक साथ दोनों ही काम मेरा हो जाएगा। चाय पीते हैं, आप लोग भी पी लीजिए, आप लोगों ने चाय पिया है या नहीं। ये देखिए मैंने मिक्स दाना लिया है और पार्ले बिस्किट, हम लोग चाय के साथ यही खाएँगे। चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, आप लोग को व्यू दिखाते हैं। ये देखिए सूरज निकल गया है, चारों तरफ धूप फैल गई है, कितना अच्छा लग रहा है। जब सूरज निकलता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इधर मुझे ये मस्जिद है, जब इस पर रोशनी पड़ती है ना तो और अच्छा लगता है। देखिए कितनी अच्छी चमक है। आप लोग को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने आपको ये व्यू ऊपर से दिखाया है, ये हमारे आस पास के घर है और पेड़ पौधे हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद लगता है। आप लोग को कौन सा मौसम, किस टाइप का मौसम पसंद है, गर्मी, ठंडक या फिर बारिश, आप लोग मुझसे ज़रूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं नीचे नाश्ता करने के लिए। देखिए सूरज, ये देखिए नाश्ते में जलेबी आई थी, हम लोगों ने खाया है, बहुत अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। अब हम लोग फिर से चाय पीने जा रहे हैं ना। चाय पे मैंने नाश्ता पे पास्ता बनाया था, वही हम लोग खा रहे हैं। इधर बच्चे खेल रहे हैं, ये जोकर है, इसमें एक की दी हुई है, उसे घुमाते हैं तो ये अच्छे से घूमता है, बच्चे देखकर बहुत खुश होते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। फिर मैं मिलूँगी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।